अच्छा, तो हमने पीछे मतलब अपनी प्रीवियस क्लासेस में याद किया था कि प्रेजेंट की कितनी जो है हमने की थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया था और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का बच्चों मतलब होता है कि कोई भी काम मुकम्मल तौर पर, ठीक है। परफेक्ट हम लेते हैं मुकम्मल के लफ्ज़ों में, ठीक है, कि ये मुकम्मल है, या दिया हम कहते हैं ये ही इज़ परफेक्ट, वो परफेक्ट है, उसमें कोई भी कमी नहीं है, ठीक है, मुकम्मल। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा कि हम ये काम कर चुके हैं, मतलब हाल ही में जो काम हुआ होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट के मायनों में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट, या फिर मैं कहती हूँ कि मैं पानी पी चुकी हूँ, ठीक है, कि मैं पानी पी चुकी हूँ, अभी अभी पिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ मैंने अभी अभी खाना, मैं अभी 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 नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोलूँ कि मैं खाना खा चुकी हूँ, मतलब अभी रिसेंटली प्रेजेंट में ही काम किया, कोई 2 मिनट पहले की बात हो गई, कोई 5 मिनट पहले की बात होगी, ठीक है, तो मतलब अभी अभी काम हुआ है वो। उर्दू में इसके एंड पे आएगा चुका है, चुकी हूँ, ठीक है, ये इसकी उर्दू के फ़िक्रों की पहचान है। और जो इसका फार्मूला है हमारे पास, इसका फार्मूला है कि हमने इसमें सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आता है। अब इधर हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, ठीक है, इधर हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, इधर हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़ और है, या तो हैज़ आएगा या हैव आएगा। अब इसमें जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारी इसमें आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब हैज़ और हैव कहाँ आएगा, हैज़ आएगा अगर तो हमारा सिर्फ, जो आप ये याद रख लें कि हैव आना है आई के साथ, और जो भी प्लूरल वर्ड्स होंगे उसके साथ हमारा हैव आएगा, ठीक है, उसके साथ हमारा हैव आएगा, ठीक है, जो भी हमारा प्लूरल वर्ड्स होंगे उसके साथ हैव आएगा, सिंगुलर के साथ हमारा हैव आएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि आई हैव सर्व्ड, आई हैव सर्व, ठीक है, या फिर मैं आपको कहती हूँ कि चले मैं आपको कोई बताती हूँ, जो मैंने कहा था कि मैं पानी पी चुकी हूँ, आई हैव ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या है बच्चों, ड्रंक, आई हैव ड्रंक वाटर, या फिर मैं खाना खा चुकी हूँ, ईट एट ईट, ठीक है, या फिर आप कह लें कि मैं खेल चुका हूँ, या मैं होमवर्क कर चुका हूँ, ठीक है, मैं होमवर्क कर चुका हूँ, या वो खाना खा चुके हैं, या फिर वो खेल वो स्कूल जा चुका है, ठीक है, जा चुका है, ठीक है, ही हैज़, गो की थर्ड फॉर्म गो वेंट गोन, ठीक है, ही हैज़ गोन टू स्कूल, गोन टू स्कूल, ठीक है, ही हैज़ गोन टू स्कूल, ठीक है, या फिर दूध उबल चुका है, ठीक है, दूध उबल चुका है, द मिल्क हैज़ बॉइल्ड, ठीक है, दी, या फिर आप कर ले मिल्क हैज़, मिल्क हैज़, आपको दिख रहा है यहाँ से, मिल्क हैज बॉइल्ड, ठीक है,
कि दूध उबल चुका है, अभी उबला है, अभी उसको अभी वो बॉयल हुआ है, या वो बच्चा अभी अभी स्कूल गया है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब हमने जब इसका नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो सिंपली हमने हैज़ और हैव के बाद नोट लगा देना है, ठीक है। हैज़ और हैव के बाद नोट लगा देना है नेगेटिव सेंटेंसेस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, दूध उबल नहीं चुका, ठीक है, तो हम करेंगे मिल्क हैज नॉट बॉइल्ड, या फिर ही हैज नॉट गोन टू स्कूल, ठीक है।